हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक बकेट। मैं हूं रंभा और आज बात करने वाली हूं टाइम मैनेजमेंट बुक की, जिसको लिखा है सुधीर दीक्षित ने। इसमें 30 प्रिंसिपल दिए गए हैं जिसका यूज़ करके आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 5 प्रिंसिपल इसके फर्स्ट पार्ट में शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। बाकी 25 प्रिंसिपल को मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 प्रिंसिपल है लर्न पेरेटो 20/80 रूल्स। जब भी किसी भी काम को करने की प्लानिंग करते हैं तो आपको इसका 80/20 प्रिंसिपल याद रख करके अपने काम की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम जो भी काम करते हैं उसमें से 20% काम से ही हमें 80% का रिजल्ट मिलता है, और हमारे 80% काम से हमें बस 20% का रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि छोटे छोटे काम को अगर हम पहले निपटा लेंगे फिर आराम से हम अपने इम्पॉर्टेंट काम को ख़त्म करेंगे, लेकिन होता यह है कि जब आप छोटे छोटे काम को निपटाना शुरू करते हैं तो आपका सारा टाइम इन छोटे कामों में ही चला जाता है, और फिर आपके पास उतना टाइम और एनर्जी नहीं रहता है कि आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को टाइम पर ख़त्म कर सकें। इसीलिए हमेशा अपने इम्पॉर्टेंट काम को पहले ख़त्म करिए। 7th प्रिंसिपल है टेक एडवांटेज ऑफ पार्किंस रूल। पार्किंस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जितना काम होता है और जितना समय होता है, हमारा काम उसके अकॉर्डिंग ही फैल जाता है। मतलब कि अगर आपके पास काम कम है और समय ज़्यादा है, मतलब आपकी डेडलाइन ज़्यादा है, तो आपका काम जल्दी ख़त्म होने के बजाय आपके डेडलाइन तक वो फैल जाएगा। आप अपने काम को बहुत ही धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है और आपकी डेडलाइन कम है, आपके पास टाइम कम है, तो आप ज़्यादा काम को भी उसी टाइम पर ख़त्म कर देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 दिन के बाद कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप उन 2 दिनों के अंदर अंदर ही अपना ऑफिस का काम, अपने घर का काम, अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा वो सारे काम को आप उन 2 दिनों में ख़त्म कर लेंगे, ताकि आप निश्चिंत होकर के अपना वेकेशन इंजॉय कर सकें। लेकिन वहीं अगर आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होगी तो आपको काम ख़त्म करने की भी जल्दी नहीं होगी, तो सेम काम को आप 2 दिन के बजाय हफ्ते भर बाद ख़त्म करेंगे। किसी काम को धीरे धीरे ख़त्म करना या जल्दी ख़त्म करने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपको उस काम में कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको अपने काम में इंटरेस्ट है, उसमें रुचि है, अपने काम से प्यार है, तो आप उस काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे और पूरी परफेक्शन के साथ ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आपको वो काम पसंद नहीं है तो आप उसी काम को बहुत धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें अपने काम से प्यार होता है। 8th प्रिंसिपल है वर्क इन योर प्राइम टाइम। आप सब टीवी देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि टीवी का प्राइम टाइम क्या होता है? टीवी का प्राइम टाइम रात 8 बजे से 10 बजे तक होता है। 8 से 10 बजे तक जितने भी एड्स आते हैं उनकी कीमत पूरे दिन में सबसे ज़्यादा उसी टाइम होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8 से 10 बजे तक मैक्सिमम लोग टीवी देख रहे होते हैं। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल हर समय एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना प्राइम टाइम पहचानना होगा कि हमारी एनर्जी लेवल किस टाइम में सबसे ज़्यादा रहती है। किसी का प्राइम टाइम सुबह हो सकता है, किसी का दोपहर, किसी का रात। आप अपने प्राइम टाइम को पहचानिए और अपना इम्पॉर्टेंट काम अपने प्राइम टाइम में ही करिए, ताकि आप अपने काम को फुल डेडिकेशन, परफेक्शन और इंटरेस्ट के साथ ख़त्म कर सकें। 9th प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अनऑर्गेनाइज लाइफ हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद करती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसी कागज़ या फाइल का नहीं मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग कागज़ या फाइल को ढूंढने में लगभग आधा घंटा बर्बाद करते हैं, और ऐसा सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घरों में भी होता है। हम आलस में या जल्दबाजी में किसी भी सामान को कहीं भी रख देते हैं, और फिर हमें उसे ढूंढने में हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है, और फिर वो चीज़ हमें वहाँ मिलती है जहाँ उसे होना ही नहीं चाहिए। अनऑर्गेनाइज लाइफ के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि असंतुलित भोजन करना, नींद का सही से पूरा ना होना, स्ट्रेस, बैड हैबिट जिसकी वजह से हमें अक्सर बीमार फील होता है। हमारा टाइम कम बर्बाद हो इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। अपना भोजन, नींद और अपनी बाकी सारी गलत हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 10th प्रिंसिपल है क्रिएट टाइम टेबल। जिस तरह से पैसों की बर्बादी से बचने के लिए हम बजट बनाते हैं, वैसे ही
हमें टाइम की बर्बादी से बचने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल भी दो तरह के होते हैं, कंप्लीट टाइम टेबल और ब्रीफ टाइम टेबल। कंप्लीट टाइम टेबल में हम पूरे 24 घंटे की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ब्रीफ टाइम टेबल में हम कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए अपने टाइम की प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कंप्लीट टाइम टेबल बनाना है तो आप अपने टाइम टेबल को इस तरह से बना सकते हैं, 8 घंटे सोना, 2 घंटे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी ब्रेक या फिर कुछ और, 2 घंटे आप टीवी या न्यूज़ में टाइम स्पेंड करेंगे या फिर बुक्स पढ़ेंगे, 1 घंटे आप ट्रैवलिंग में आपका टाइम जाएगा, 1 घंटे आप सोशल टाइम देंगे यानी कि किसी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से मिलना है, बात करनी है तो उसमें आप उसके लिए आप 1 घंटे रखिए, 2 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और 8 घंटे आप ऑफिस या अपने बिजनेस के लिए टाइम स्पेंड करेंगे। सो इस तरह से आप कंप्लीट टाइम टेबल बना सकते हैं। ब्रीफ टाइम टेबल, इसमें आप 8 घंटे काम करेंगे इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप 9 बजे से 1 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक काम करेंगे और अगर एक्स्ट्रा काम आ गया तो उसके लिए आप 1-2 घंटे एक्सटेंड करेंगे इसकी प्लानिंग करते हैं। इसमें आप बाकी और किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ब्रीफ टाइम टेबल बनाना अच्छा है, लेकिन इसमें आप सिर्फ अपने करियर गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारे एरियाज़ को बैलेंस करके चलना है तो आपको कंप्लीट टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। 11th प्रिंसिपल है गेट इन्वॉल्व इन कर्मा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एम बहुत बड़ी होती है, जिनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने गोल को, अपने एम को अचीव करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते। कभी कहते हैं कि मूड नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी फैसिलिटी नहीं है और इस चक्कर में वो अपने काम को टालते रहते हैं। काम से जी चुराने का सिंपल रीज़न ये भी है कि हम बहुत आलसी होते हैं, हमारा दिमाग उन चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जिसमें हमारा दिमाग कम यूज़ होता है, जिससे हम इंटरटेन होते हैं। इसलिए अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना होगा। 12th प्रिंसिपल है इंक्रीज योर इफिशियंसी। आप जिस भी काम में बहुत अच्छे हैं, सोचिए कि आप जब उस काम को करना सीख रहे थे तब आप उस काम में कैसे थे और अब जब आप वो काम करना सीख गए हैं तब आप उस काम में कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइपिंग करना बहुत अच्छे से आता है तो सोचिए कि जब आप टाइपिंग करना सीख रहे थे तब आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर पाते थे और अब जब आपने टाइपिंग सीख लिया है तो अब आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर पाते हैं, शायद डबल या ट्रिपल। इसलिए हमें अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाना चाहिए। अगर आप आज कोई काम 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं तो आप कल उसी काम को 1.5 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपके काम की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कम टाइम में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं इसके बारे में सोचिए। 13th प्रिंसिपल है फिक्स डेडलाइन। किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए हमें एक डेडलाइन फिक्स करनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास कोई डेडलाइन होती है, चाहे वो एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करनी हो या फिर आपको किसी काम की डिलीवरी देनी हो, अगर आपके पास डेडलाइन होता है तो आप उस काम को उस डेडलाइन से पहले किसी भी हालत में ख़त्म करते ही हैं। होता ये है कि जब हमारे पास डेडलाइन होता है तो हमारे अंदर हमारे सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एंड्रेनल लिक्विड रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें आलस नहीं आता और हम एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम को टाइम पर ख़त्म कर पाते हैं। 14th प्रिंसिपल है लर्न टू बाय टाइम। सबसे पहले तो खुद से ये पूछिए कि आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, टाइम या मनी। मैक्सिमम रिटायर्ड लोग पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए वो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के चार्जेस, उसका किराया कम होता है। लेकिन जो लोग बिजी होते हैं वो या तो सुपर फास्ट ट्रेन या फिर फ्लाइट में ट्रैवल करना पसंद करते हैं ताकि उनका टाइम बच सके। कई बार तो वो अपना टाइम बचाने के लिए दूसरों को हायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक होते हैं वो ना तो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और ना ही बेचते हैं, लेकिन फिर भी सारा प्रॉफिट उनका होता है। इसके लिए वो दूसरों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाने के बदले उन्हें सैलरी देते हैं। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा वैल्यूएबल है तो आप भी अपना काम करवाने के लिए दूसरों को हायर कर सकते हैं, आप भी दूसरों का टाइम खरीद सकते हैं। 15th प्रिंसिपल है सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स।
इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, अगर आप करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप अपने फालतू कामों को इग्नोर करके आपका पूरा फोकस अपने करियर गोल की तरफ होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपने फालतू कामों को इग्नोर करके अपने करियर की तरक्की के लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको खेलना कूदना कम करके अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकें। 16th प्रिंसिपल है डू योर वर्क एट अ फिक्स टाइम। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब हम किसी फिक्स टाइम पर कोई काम करने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग ही ढल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको 1:30 बजे हर दिन भूख लगने लगती है। अगर आपको 10 बजे सोने की आदत है तो रात 10 बजते ही आपको नींद आने लगता है। अगर आपको 6 बजे वॉक पे जाने की आदत है तो 6 बजते ही आप वॉक पे चले जाते हैं। आपको जाने में आलस नहीं लगता है या फिर कम आलस आता है। लेकिन अगर आपके वॉक का टाइम फिक्स नहीं है, किसी दिन आप सुबह जाते हैं, किसी दिन शाम को जाते हैं, आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो आप आसानी से अपने आलस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कामों को अपने आदत में शामिल करना बहुत जरूरी है जो काम हमें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो ये कि आप ऐसे कामों को बिना सोचे समझे, बिना एफर्ट्स लगाए उस काम को करने में जुट जाते हैं। दूसरा, आदत पड़ने पर आपका मन और आपका शरीर एक्टिव होकर के उस काम को करता है। तीसरा, आपको वो काम करने में मजा आने लगता है। एंड चौथा, आप उस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने लगते हैं और उसे और जल्दी खत्म करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। 17th प्रिंसिपल है लर्न द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अबाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये सिखाती है कि जैसे ही आप ऊपर की ओर छलांग लगाओगे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचता है। वैसे ही जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो आपके आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके काम से, आपके सक्सेस से जलते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, सो इसलिए वो भी आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो आप कभी भी अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर मत करिए। जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद ही आप अपने काम के बारे में दूसरों को बताएं, चाहे वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव ही क्यों ना हो। 18th प्रिंसिपल है टेक एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन गति का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं होता। सेम चीज़ हम पर भी लागू होता है। हम तब तक अपनी सिचुएशन को बदलना नहीं चाहते हैं जब तक कि हम पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं होता। बाहरी बल दूसरों का प्रेशर भी हो सकता है या फिर खुद की इच्छा शक्ति भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी से आप अपनी और अपनी फैमिली की बेसिक नीड पूरी कर पाते हैं और आप इससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप कभी भी अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक कि आपको खुद से ये इच्छा नहीं होगी कि आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, तब तक आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे ही ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप उस वक्त पूरी मेहनत के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आप अपने सैलरी को बढ़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। सो इसलिए आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि ऐसे सिचुएशन का वेट करना चाहिए। और इसके लिए आपको खुद ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि कैसे आप फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। 19th प्रिंसिपल है हाउ लॉन्ग यू वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ गुड रिजल्ट यू गेट इज। यानी कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लेडीज दो दो घंटे लगा करके खाना बनाती हैं। एक का खाना बहुत अच्छा बनता है और दूसरे का खराब। अब आप ये बताइए कि जो भी इंसान उस खाने को खाएगा उसका क्या रिएक्शन होगा। इट्स ऑब्वियस कि जिसने अच्छा खाना बनाया होगा उसकी तारीफ होगी और जिसने खराब बनाया होगा उसे ताने सुनने को मिलेंगे। सो इस प्रिंसिपल से ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि आपने किस काम को करने में कितना समय लगाया इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो उसके बाद रिजल्ट दे रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल है। सो हमेशा अपने टाइम से ज़्यादा अपने रिजल्ट पर फोकस करिए और देखिए कि आपके काम का रिजल्ट आपके टाइम को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं।
20th principle है decide which work is to be done at what time. हमारे पास पूरे दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, मार्केट से कोई सामान लाना हो, या फिर बिजली का बिल जमा करना हो, फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलना हो, या फिर फोन पे बात करना हो, या फिर ऑफिस का काम हो, या फिर खुद के लिए टाइम निकालना हो. हम सारे काम एक साथ एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे सुबह सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सुबह में हमारी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होती है. फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम काम कर सकते हैं, हम सुबह फ्रेश फील करते हैं. इसलिए हमें अपने इम्पॉर्टेंट काम को सुबह निपटाना चाहिए. जो काम आप दूसरों से करवा सकते हैं, आप चाहें तो उसे पैसे दे करके दूसरों से भी करवा सकते हैं. कई बार हमें आलस आ रहा होता है या फिर हम थके हुए होते हैं तो हम अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, तो उस वक्त आप इम्पॉर्टेंट काम को करने के बजाय उन कामों को कर सकते हैं जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े. 21st प्रिंसिपल है गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग. कई लोगों को लगता है कि सुबह जल्दी उठना या फिर रात को लेट तक जा कर के काम करना एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सुबह उठने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, फुल एनर्जी के साथ होते हैं. इसलिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना बेस्ट दे पाएंगे. सुबह उठने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स उस वक्त सो रहे होते हैं. सुबह के टाइम पे ना तो कोई आपको कॉल करेगा ना मैसेज करेगा, सो आपके पास मिनिमम डिस्टर्बेंस होती है. यहीं जब आप रात को लेट तक जा कर के काम करते हैं तो आप पूरे दिन काम करने की वजह से थके हुए होते हैं, जिसकी वजह से आप फुल एनर्जी के साथ कोई काम नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा रात को ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग रात को कम चलता है. इसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि रात को लेट तक जागने पर आप या तो ऑफिस या प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम ही करते हैं, लेकिन खुद के लिए, अपनी फिटनेस के लिए या अपनी हॉबी पर रात को काम नहीं कर पाते हैं. 22nd प्रिंसिपल है एक्सरसाइज फॉर 1 आवर. हम इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या आप सच में अपने लिए जी रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, जॉब भी हम ऐसी कर रहे हैं जिसको करने में हमें मज़ा नहीं आता, शाम को थक करके वापस आते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं. इसके अलावा घर के काम, ऑफिस के काम, इसमें हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं. हमें हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए जिसमें आप अपने शरीर की देखभाल कर सकें. इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, या फिर मसाज ले सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप के लिए टाइम निकालिए. अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप बाकी कामों को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे. एक और बात कि एक्सरसाइज करने से ज़्यादा उसे सही तरीके से करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कितना समय आप कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको वो मैटर करता है. एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं. पहला तो ये कि आप उससे बीमार कम पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं होगा. इसके अलावा आपके शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी चुस्त और फुर्तीला रहेगा, और इससे आपका आलस भी दूर होगा. बीमार होने के बाद अपना समय और पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप हर दिन अपने लिए 1 घंटा निकालिए, उसमें आप एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपका बॉडी और माइंड दोनों ही एक्टिव और हेल्दी रहे. 23rd प्रिंसिपल है बी कॉशन ऑफ योर टीवी टाइम. टीवी आज के टाइम पर हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है. हम पूरे दिन में हर दिन 2 से 3 घंटा टीवी देखने में बर्बाद करते हैं. हम सोचते हैं कि आधा घंटे के लिए एक सीरियल देख करके बंद कर देंगे टीवी, पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं. हमारा आधा घंटा 1 घंटे में और 1 घंटा 2 घंटे में कैसे बदल जाता हमें पता ही नहीं चलता. इसलिए इसकी वजह से आप कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करिए, और आप कम से कम टाइम कैसे बर्बाद कर सकते हैं इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. 24th प्रिंसिपल है मेक मिनिमम यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. आज के टाइम पर हम मोबाइल पर कितने सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि फ़ोन पर बातें करना, गाने सुनना, मूवीज़ देखना, गेम खेलना, चैटिंग करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, नेट सर्फिंग, फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना, नेट बैंकिंग और भी बहुत कुछ करते हैं. फ़ोन का यूज़ हम सही कामों से ज़्यादा
फोन का यूज फालतू कामों को करके समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल फोन से हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, मिसकैरेज जैसी कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए मोबाइल का यूज करते टाइम भी आप सावधान रहिए। आप कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसे कैलकुलेट कीजिए और उसे कम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचिए। 25th प्रिंसिपल है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इंटरनेट। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान समझते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? अगर आपने खुद को नोटिस किया होगा तो आप भी ये मानेंगे कि हम इंटरनेट का यूज़ इम्पॉर्टेंट कामों से ज़्यादा फालतू कामों को करने के लिए यूज़ करते हैं। हम सोचते तो हैं कि हम इम्पॉर्टेंट काम करने के बाद नेट बंद कर देंगे, लेकिन जब हम कोई साइट खोलते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं नेट पर, तो हमें उसी समय कोई अट्रैक्टिव साइट या फिर कोई ऐड ऐसा दिख जाता है जिस पर हम क्लिक कर देते हैं और फिर हम कुछ और ही दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पर हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो आप सही कीवर्ड को टाइप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका मनचाहा रिजल्ट, मनचाहा इन्फॉर्मेशन मिलने में काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप कुछ सर्च करें तो ट्राई करें कि आप सही कीवर्ड्स यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपका ज़्यादा काम इंटरनेट से ही होता है तो आप ब्रॉडबैंड यूज़ कीजिए और अपने कंप्यूटर का रैम भी बढ़वा लीजिए, ताकि आपका कंप्यूटर और आपका इंटरनेट स्पीड काम कर सके, जिससे आपका काम जल्दी होगा। 26th प्रिंसिपल है, अवॉइड लेजीनेस। समय बचाने के लिए आपको आलस से भी बचना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल काम आता है तो आप आलस करने लगते हैं, उस काम को टालने लगते हैं। आलस आने का एक रीज़न ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना या फिर तला भुना भोजन करना, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है और हम कम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह में हम ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश फील क्यों करते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि आराम करने के बाद हमारा शरीर थका हुआ नहीं रहता है। दूसरा, सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है। और तीसरा, हमारा पेट खाली होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग तेज़ी से काम करता है। इसलिए हमें एक ही बार में ज़्यादा खाना खाने से बचना चाहिए, ताकि हमें आलस कम आए। थोड़े थोड़े ब्रेक में कम कम खाना खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 27th प्रिंसिपल है, डू नॉट प्रोकास्टिनेट। हम सब कभी ना कभी काम को टालते ही हैं, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे। और रीज़न ये होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता है, कभी काम हमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है या फिर बोरिंग लगता है कि हम उस काम को कल पर टाल देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आज का टाइम तो बर्बाद होता ही है और कल के लिए भी हमारे पास बहुत सारा काम जमा हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आज का काम आज ही ख़त्म हो और हो सके तो कल का भी काम थोड़ा आज ही निपटा लें, ताकि कल आप पर प्रेशर कम हो और आप कल बचे हुए टाइम में कुछ नया काम भी कर सकें। 28th प्रिंसिपल है, टेक एडवांटेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय प्लानिंग। इसमें आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात को सोने से पहले ही कर लेनी चाहिए। इससे होता यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि अगले दिन उसे क्या क्या करना है। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैलकुलेट कर रहा होता है कि कौन सा काम कब करना है और उसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। 29th प्रिंसिपल है, गेट रिड ऑफ एडिक्शन। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें शराब, सिगरेट जैसी बुरी लतों से बचना चाहिए। ये हमारे शरीर को तो नुकसान करता ही है, इसके अलावा हमारा बहुत सारा टाइम भी बर्बाद होता है। एक तो इसे पीने में बहुत टाइम लगता है, दूसरा इसे पीने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता, कोई काम ठीक से कर नहीं सकता, किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, और सुबह उठने के बाद सर दर्द, हैंगओवर होता है, सो अलग। इसके अलावा इसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है और कई लोग तो पीने के बाद लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं। इसके अलावा भी कई सारी बुरी लतें हैं जिससे भी हमें बचना चाहिए। 30th एंड लास्ट प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि टाइम तो वही रहता है, बस उसे हमें देखने का नज़रिया बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चों को देखा होगा कि जब वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या फिर कोई फेवरेट कार्टून देख रहे होते हैं, तब उन्हें भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे कैसे बीत गए। लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें 100 काम याद आते हैं। 10-15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया। मतलब कि जब हम अपने पसंद का काम करते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता।
इसलिए जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने बैठें तो उससे पहले ये सोचें कि आप अपने इम्पोर्टेंट काम को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप डेडलाइन फिक्स कर सकते हैं या फिर आप उस काम को ख़त्म होने के बाद आप अपने लिए कुछ रिवॉर्ड रख सकते हैं। इससे आपको उस काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइज, ये थे 30 प्रिंसिपल जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बुक से बताया है। इस 30 प्रिंसिपल का यूज़ करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कम से कम टाइम को बर्बाद करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस बुक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। Thank you.